This is high. And again, here's another one. Brilliant way to go to a half century, Shoaib Malik. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शुएब मलिक की शानदार परफॉर्मेंस। शुएब मलिक को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला और इनाम के तौर पर हैवी बाइक भी। इस पर सानिया मिर्जा ने फौरन सोशल मीडिया पर अपने मियां की बाइक पर बैठी हुई तस्वीर पोस्ट की और खुशी में पैगाम दिया कि चलें फिर से। रवायती शोहर शुएब मलिक भी कहां पीछे रहने वाले थे, फौरन पैगाम भेजा, बस मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद जब सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक और शादाब खान की हैवी बाइक पर साथ बैठे तस्वीर देखी तो रिवायती बीवियों वाली नाराजगी भी दिखाई। कहा, ओके कोई मसला नहीं, मेरा ख्याल है मेरी सीट पर कोई और बैठ गया। शुएब मलिक ने भी फौरन सानिया को मनाने के लिए पैगाम भेजा, अरे नहीं नहीं, शादाब को तो ग्राउंड में ही उतार दिया, शादाब को साथ बिठाने का चक्कर ही नहीं। शादाब ने मियां बीवी के दरमियान जब जुमलेबाजी देखी तो पहले मुस्कुराए, फिर रिवायती देवरों की तरह भाभी से माफी मांग ली। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम करने के बाद जब शुएब मलिक मीडिया के सामने आए तो सवाल हुआ कि सानिया लाहौर तो पहुंच गई लेकिन मैच देखने नहीं आई, जिस पर शुएब का कहना था कि वो सियालकोट में अपनी सास के पास हैं और खानों से लुत्फंदोज हो रही हैं। वो पाकिस्तान आई थी अपनी सास से मिलने और वो सियालकोट चली गई हैं, वो सियालकोट में मेरी अम्मी के पास हैं और खूब खाने खा रही हैं और वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं। हैवी बाइक चलाने से मुतालिक सवाल पर शुएब मलिक का कहना था कि पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। बहुत अरसे के बाद आपके पास बाइक आई है, भाभी जी भी आई हैं, तो लाहौर में सैर कराएंगे बाइक पे आप? पहले मैं लाइसेंस ले लूं, बाइक का मेरे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस न होने से इस बात का तो अंदाजा हो गया कि सानिया मिर्जा को शुएब मलिक के साथ इस हैवी बाइक की सवारी करने में अभी कुछ वक्त लगेगा।